दिस बस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्षेत्रमिति के बहुत सारे कंसेप्ट को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, समांतर चतुर्भुज का परिमाप हमने क्या पढ़ा था? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लेंथ इन प्लस ब्रेथ। यानी इसी को हिंदी में मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सभी बच्चों को याद होगा। और क्षेत्रफल के लिए हमने क्या पढ़ा था? तो हमने बताया था कि एक चीज जो होता है, क्या होता है क्षेत्रफल में, क्या होता है? हाइट होता है, शीर्ष लंब होता है। तो हमने यहाँ गुड पे क्या इवनिंग पढ़ा सर। था? गुड इवनिंग। आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष लंब भी कहते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और अगर हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है तो उसका परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये चीजें आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्या इस पे आधारित हम लोग एक प्रश्न कर लें? जल्दी से सभी बच्चे जो हैं वाई टाइप करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे जो हैं वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको चैट सेक्शन में ही देना है। पोल सेक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको इसका आंसर जो है चैट सेक्शन में ही देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे अगर मैं इसको मान लेता हूँ हाइट है, शीर्ष लंबे, तो आधार क्या हो जाएगा? एस आर जो होगा हमारा आधार हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से क्षेत्रफल क्या होता है पैरालेलोग्राम का, यानी समानांतर चतुर्भुज का? जल्दी से बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने क्या? ऊंचाई, यानी शीर्ष लंब, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे लंबाई कितना दिया रखा है? 6 सेंटीमीटर गुने, बताइएगा जल्दी से। सॉरी, यहाँ पे लंबाई नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। यहाँ पे आधार होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है? आधार होता है। तो आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे आधार क्या दिया गया है? 11 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इधर हो गया था, ध्यान देंगे सभी लोग। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार यहाँ पे क्या है? 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊंचाई क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे बताएंगे 11 इंटू 6, 11 गुने 6 कितना होगा? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे एक बार, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? आधार गुने ऊंचाई होता है। सभी बच्चे बताएंगे, क्या आप लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। क्लियर है? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है यानी दोबारा पूछना चाहते हैं तो आप डी टाइप कर दीजिए, मैं दोबारा से बता दूंगा, या फिर आप लोग को ठीक है। और किसी बच्चे कोई डाउट है? ठीक सर जी दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि ये 90 डिग्री का कोण जिसपे बनता है वो हमारा क्या होता है? आधार होता है। और ये क्या होता है? शीर्ष लंब होता है, या फिर क्या होता है? इसी को हम ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम शीर्ष लंब भी कहते हैं और ऊंचाई भी कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या पढ़ा था फॉर्मूला? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। क्या आप लोग को याद आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा आधार कितना है? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। जब गुणा करेंगे तो कितना होगा? 11 में 6 से 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अभी सभी बच्चों के क्लियर है? सर एक बार वाई टाइप कीजिए। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिकॉल क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। आप में से अगर किसी भी बच्चे को पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है तो जल्दी से बताइए। आप लोग ज्यामिति में, ज्यामित्य में आप लोग पढ़े होंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। इसके पिछला जो चैप्टर था आप लोगों का
उसमें आप लोग पढ़े होंगे ज्यामिति में, ज्यामिति में क्या पढ़े होंगे आप लोग कि आयत का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B होता है, बहुत ही अच्छा। और क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, अभी मैं समझाऊंगा, एक बार देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो अभी हम इसे समझेंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों का पुरानी क्लास के आधार पर मैंने देख लिया कि आप लोगों को कितना आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम समझते हैं, ठीक है, कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत आप लोगों को पता है चार भुजाओं की क्या होती है, आयत जो होगा क्या होगा, चार भुजा से बनेगा एक चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये मैं मान लेता हूं ABCD क्या है, एक आयत है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। आप दोबारा से रिज्वाइन करो, आपको आवाज आएगी, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो बताइएगा अगर इस भुजा का मान ए है तो क्या इस भुजा का मान भी ए होगा, अगर सर इस भुजा का मान बी है तो सामने वाली भुजा का भी मान क्या होगा, बी होगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये क्या है, एक आयत है, क्या है, एक आयत है, ठीक है, ये क्या है, एक आयत है। तो हमें आयत का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप होता क्या है, तो आयत के चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई होती है, यहाँ पे चारों भुजा को हम लोग जोड़ देंगे। तो एक भुजा है ए बी, तो पहले ए बी को जोड़ते हैं, फिर सामने वाली भुजा है सी डी, तो सी डी को जोड़ते हैं, फिर हमारा एक भुजा है बी डी, तो बी डी को जोड़ते हैं, फिर हमारा एक भुजा है कौन सा, ए सी, तो ए सी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, ए, सी डी का मान कितना है, ए, बी डी का मान कितना है, बी, और ए सी का मान कितना है, बी। अब आप बताइएगा ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2A हो टू जाएगा, बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। दोनों में दो है तो दो को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी जो है यहाँ पे बच जाएगा। तो अब मुझे बताइएगा, हमने 2D में पढ़ा था, हमने 2D में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास सिर्फ दो मान होता है, यानी यहाँ पे एगो ए है एगो बी है, ये क्या है, 2D है। तो एक इसको हम क्या कह सकते हैं, एक को कह सकते हैं लंबाई और एक को कह सकते हैं चौड़ाई, क्योंकि 2D में लंबाई और चौड़ाई ही होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 × लंबाई + चौड़ाई। क्या राइट सभी बच्चों क्लियर है, सर। एक बार वाई टाइप कीजिए, क्या सभी बच्चों क्लियर है। अनावश्यक जो भी बच्चे कमेंट करते हैं उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, अनावश्यक कमेंट नहीं करना है किसी बच्चे को। तो सभी बच्चे बताएंगे कि आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, चैट सेक्शन में ही मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये ABCD क्या है, एक जो है आयत है, इसकी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर और ये जो है 2 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इसका परिमाप कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में कि इसका परिमाप कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई, इसी फॉर्मूला को लगा देंगे। तो 2 × लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, गुणा कीजिए तो 2 × 4 2 कितना हो जाएगा, 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है ये क्वेश्चन, सर एक बार वाई टाइप कीजिए, क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है, ठीक एक बार रिपीट रिटर्न कर दीजिए। है। मैंने बताया कि ये एक आयत दिया गया है, आयत कैसे पता चलेगा हमें, तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमें परिमाप निकालना था, और अभी अभी हमने पढ़ा कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो 2 × लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 2 रख दिया। तो 2 × 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है, यस सर। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। तो देखिए ये क्या है, एक आयत है, तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। देखिए तो यहाँ पे ए बी भी क्या है, एल है, और सी डी भी क्या है, एल है। अब इसी प्रकार देखिए ए डी और बी सी, देखिए ए डी और ए डी भी बी है, और सामने वाली भुजा जो बी सी है वो भी बी है, यानी ए बी बराबर सी डी,
ये वाला और ये वाला बराबर है, इसका लंबाई कितना दिया गया है, एल दिया गया है। अब इधर देखिए चौड़ाई में AD बराबर BC और कितना मान दिया गया है, बी, यानी ये क्या है, चौड़ाई। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आपने अभी अभी पढ़ा था, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या अब आप लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, जिनको डाउट है माइक ऑन कीजिए और बोलिए, पूछिए क्या डाउट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए। सर दोबारा समझा दीजिए। सर दोबारा समझाते हैं। जी दोबारा ठीक है, आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए तो ये ABCD क्या है, एक आयत है, तो AB का मान जितना है L है, तो CD का भी मान क्या हो गया, L हो गया, बराबर हो गया। इसी प्रकार AD के मान अगर B है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, BC, तो इसका भी मान क्या हो गया, B हो गया। तो यही बात लिखा गया है कि AB बराबर है, देखिए AB कितना है, L है, किसके बराबर है, CD के, देखिए सामने वाली भुजा CD, ठीक है, और इसका मान कितना दिया गया है, L दिया गया है, तो इसे हम क्या कह दिए, लंबाई कह दिए। इसी प्रकार देखिएगा AD, ये AD है, दिखाई दे रहा है, इसका मान कितना दिया गया है, B दिया गया, इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, BC होगी, इसका मान कितना दिया गया है, B दिया गया है, तो इसे हमने कह दिया चौड़ाई। ठीक है, अब हमने कहा परिमाप निकालना है, तो चारों भुजा को जोड़ देंगे, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही चार भुजा है, चारों को जोड़ देंगे, तो AB का मान है L, BC का मान है B, CD का मान है L और DA का मान है B, तो L प्लस L क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2L हो जाएगा, प्लस B क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें दोनों में दो है तो दो को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस बी बचेगा, तो एल को कहते हैं लंबाई और बी को कह दिए चौड़ाई। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया, परिमाप का आया था 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या अभी आपको समझ में आया, क्या अभी सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इस पे आधारित एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसका परिमाप निकाल के बताना है। सभी बच्चे जो है चैट सेक्शन में ही इसका आंसर करेंगे, इसका परिमाप बताएंगे। ये एक आयत दिया गया है आपके सामने, इसकी चौड़ाई दी गई है 7 सेंटीमीटर और लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, आपको चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिमाप का फॉर्मूला और आपको चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसका आंसर चार्ट सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे जो इसका आंसर जो है चार्ट सेक्शन में ही करेंगे, सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में ही आंसर करेंगे, सभी बच्चे जो है चार्ट सेक्शन में ही आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा, 30 सेंटीमीटर जिन बच्चों ने रिप्लाई किया है उनका एकदम सही है, बताइए कैसे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 2 को 2, लंबाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 गुने ये 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15, और 2 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्या अभी सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्या सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए एक बार, ये रहा आपके सामने आंसर 30 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे अब हम लोग जो है आयत का क्या निकालना सीख गए, परिमाप निकालना सीख गए, क्या निकालना सीख गए, परिमाप निकालना सीख गए। ठीक है, तो आप अगर परिमाप निकालना सीख गए तो अब इसका हम एरिया निकालना सीखते हैं, और एरिया क्या होता है, तो आयत के द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा, तो मैं यहाँ पे एक आयत बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा ये क्या है, एक आयत है, ठीक है, तो इसके द्वारा जितना जगह को घेरा जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके जगह को मैं रेड से मार्क कर देता हूं, ये जितना जगह को घेरेगा हम इसको क्या कहेंगे, इसका क्षेत्रफल कहेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो मान लेता हूं कि इसका चौड़ाई अगर बी है, लंबाई अगर एल है, तो क्या बनेगा, लंबाई की जगह पे एल रख देंगे और चौड़ाई की जगह पे बी रख देंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन गया, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या आपको ये चीजें समझ में आया, लेंथ गुने ब्रेस। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, यहाँ पे मैं एक और आयत बना रहा हूं, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। ये रहा एक आयत ABCD,
और आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। बताइए जल्दी से सभी बच्चे कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है लंबाई और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे तो हम क्या कर देंगे, एल इंटू बी कर देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे। लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो आप बताइएगा 4 गुने 2 कितना होगा 8 सेंटीमीटर, गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया। सभी बच्चे बताएंगे कि आपको आयत का क्षेत्रफल निकालने आया, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो चलिए एक इसी पे आधारित और क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए ये आयत का क्या है, ए बी बराबर सी डी, आप लोग को दिख रहा है ए बी बराबर है किसके, सी डी के, यानी कि ये रेखा जो है और ये रेखा जो है आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, फिर अगर बात कीजिएगा तो ठीक ये रेखा जो है ये इसके बराबर है इस भुजा के, तो यही चीज लिखी गई है। देखिए रेड वाला में देखिए ए बी और बी, यानी ए बी जो है किसके बराबर है सी डी के, और इसे एल कह दिया गया लंबाई। अब इधर देखिए ए डी, ये वाला ग्रीन कलर से जो मैंने घेरा है, ए डी बराबर किसके, बी सी के, सामने वाली इसके, ठीक है, और ये इधर, ठीक है, तो ये बी चौड़ाई हो गया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी अगर हमारे पास एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दे दिया जाए तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं लिख देता हूं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया है तो यहाँ पे ये रख दीजिएगा, यहाँ पे लंबाई दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई आपको निकालना है तो बी। अब इसको हल कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर, कर दीजिए ना हल। आप क्या कीजिएगा, आप भी ट्राई कीजिए ना, मैं हल करूंगा ना बाद में। नहीं, सभी बच्चे अपने से ट्राई करेंगे, चैट सेक्शन में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का चैट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छा, जिस भी बच्चे का 8 सेंटीमीटर आया है कौन एक कौन ग्रीन सा कलर, कंपनी का है? कोई भी बच्चा माइक ऑन करेगा उसको हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। देखिए तो यहाँ पे हो गया 72, इधर हो गया 9 गुने b, कितना हो ठीक जाएगा 9b हो जाएगा। तो अब बताइएगा अगर ये 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा लग जाएगा, 72/9, इधर क्या बचेगा b, तो b का मान अगर 9 से हम 72 काटेंगे तो कितना बार कटेगा 8, तो यहां से क्या निकल के आ गया बी का मान जो है 8 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है, बी का मान 8 सेंटीमीटर, क्या सभी बच्चों क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए। बहुत ही अच्छा, क्या सभी बच्चों क्लियर है, दोबारा समझा दो। दोबारा बता देता हूं ध्यान से समझिएगा। सभी बच्चे बताएंगे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के, लंबाई कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, जो बच्चा माइक ऑन कर रहा है उनको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, सर, मेरा आयत का दोनों क्षेत्रफल क्या होता है, दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई। बताइएगा आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 72, तो यहाँ रख दीजिए 72, लंबाई कितना दिया गया है 9, तो यहाँ रख दीजिए 9, और चौड़ाई आपको निकालना है तो चौड़ाई लिख दीजिए। ठीक है, तो 72 किसके बराबर है, 9 गुने b करेंगे तो 9b के बराबर, यहां से b का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये इसके बटा में चला जाएगा तो 72/9 हो जाएगा। 9 से 72 कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, तो कितना आंसर हो गया b का मान 8 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई हमारी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है, अगर अनावश्यक कोई भी बच्चा बात करेगा मैं उनको क्लास से रिमूव कर दूंगा। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, यस माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का परिमाण। अब हम जो भी बच्चे अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं ऐसे बच्चों को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, जॉनी नाम से जो भी बच्चा है ऐसे बच्चे को मैं रिमूव कर दूंगा, अगर दोबारा आपने ऐसा कमेंट किया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, अनावश्यक जो भी बच्चा कमेंट कर रहा है ऐसे बच्चे को रिमूव कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे आपने पिछली क्लास में वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में।
ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, एक बार वाई टाइप करेंगे, क्या सभी बच्चों ने वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ रखा है? जल्दी से एक बार वाई टाइप करेंगे। नहीं ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कितने बच्चों ने पढ़ा है? अगर जो बच्चे पढ़े हैं एक बार वाई टाइप करेंगे, जिस बच्चे ने पढ़ा है एक बार वाई टाइप करेंगे। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अगर वर्ग का परिमाप पढ़ रखा है ज्यामिति में, ज्यामिति में, तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार रिवीजन के हिसाब से। देखिए तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, यहां पे मैं एक वर्ग बना देता हूं। ठीक है, ये क्या होती है? वर्ग होती है। इसकी चारों भुजाओं का मान क्या होता है? बराबर होता है। देखिए तो यहां पे अगर मैं कहूं कि ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो अगर इसकी एक भुजा ए है तो इसके बाकी भुजाओं का मान भी क्या होगा? ए होगा। यानी कि ठीक वर्ग क्या होगा? इसकी चारों भुजाओं का माप जो होता है बराबर होता है। तो यहां से आप डिफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए कि वर्ग के चारों भुजाओं की कुल लंबाई क्या होती है, उसका परिमाप होता है। इसके चार भुजा कौन कौन से हैं? एक ए बी है, एक सी डी है, एक ए डी है, एक बी सी है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? अब यहां पे हम लिखेंगे ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। इन चारों भुजा को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आप देखिए ए बी का मान कितना है? सबका मान ए है। इसका भी मान क्या है? ए है। इसका भी मान क्या है? ए है। और इसका भी मान क्या है? ए है। तो आप बताइएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी टोटल कितना ए हो जाएगा? 4 ए हो जाएगा। और ए क्या है? आपका भुजा है। ए क्या है यहाँ को पे? भुजा है। माफ तो करना फॉर्मूला क्या सीखो। बन जाएगा? 4 गुने भुजा। क्या सभी बच्चों क्लियर है? यानी कि अगर हमें वर्ग का पेरीमीटर पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा। क्या मुझको सभी बच्चों माफ क्लियर है? दम नहीं है गैरों में, जिनके सर पे तू है उनको रखता हूं मैं पैरों में। जिस बच्चे ने भी अगर माइक ऑन किया ऐसे बच्चों को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में। वर्ग का परिमाप सभी बच्चों क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो वर्ग का आप लोगों को परिमाप तो निकालने आ गया। अब जल्दी से आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड गुने साइड। आपको याद रखना है साइड गुने साइड, यानी कि भुजा गुने भुजा जो होता है क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक भुजा ए है तो इसका क्या हो जाएगा? ए गुने ए। क्या हो जाएगा? ए गुने ए। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? ए गुने ए, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, क्या क्षेत्रफल सभी बच्चों क्लियर है? क्षेत्रफल क्या होता है? साइड गुने साइड, भुजा गुने दोस्तों भुजा, यानी ए गुने ए स्क्वायर। दोस्तों किसी बच्चे ने अगर माइक ऑन किया तो उनको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा इसी चीज को फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या है? एक वर्ग है। तो आपको पहले ही बता दिया हूं कि चारों भुजा क्या होगी? बराबर होगी। यानी पी क्यू का मान भी ए है, एस आर का भी मान ए है, क्यू आर का भी मान ए है, और पी एस का मान भी ए है। यानी पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी सब बराबर है। किसके? भुजा के। भुजा का मान कितना है? ए है। तो इसका परिमाप क्या होता है? आपने अभी पढ़ा था कि चारों भुजा को जोड़ देंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, टोटल कितना हो जाएगा? 4 ए, यानी कि 4 गुने भुजा। तो अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन किया तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो भी बच्चा बार बार माइक ऑन कर रहा है उसको हमेशा के लिए यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा। सर जी, जॉनी नाम का लड़का है। ठीक है, अरे कौन है जो नहीं मार खाएगा क्या? अरे क्लास में अगर कोई बच्चा भी अगर ऐसा कमेंट करेगा तो उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। सब शांति से रहें। कोई भी क्लास में अनावश्यक कमेंट नहीं करेगा। यहां तक अगर सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, हम लोग आगे पढ़ते हैं। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर दें। तो था भी इतना मैं दूँ।
कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, सर की बात मानो सर, ठीक है, फोर गुणे क्या हो जाएगा, समझ पूजा नहीं हो आ रहा जाएगा। वो तो। चलिए आगे करण एक देखिए, बार, हाँ करण एक बार स्टॉप कीजिएगा जरा, मैं बात कर लेती हूँ। कृष्णा एंड जोनी, व्हाई यू आर ओपनिंग योर माइक? आपको मना किया गया ना बेटा, अगर अब की बार आपका माइक अनम्यूट हुआ तो फिर उसके बाद आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। अगर कुछ चैलेंज है, कुछ मैम ये प्रॉब्लम हमारी है, क्लास का नहीं है, ये बार बार मैम गंदे ये कमेंट कर हमारी रही क्लास है। का नहीं है। कौन नहीं है क्लास का? जॉनी नाम से जो भी बच्चा है जोनी, वो बार बार गंदे कमेंट कर रहा है। जोनी आप कौन से स्कूल से हो बताओ मुझे जरा। गवर्नमेंट तो एसएसएम आप की करो, जरूरत है। अच्छा एक काम करो करण, ब्लॉक द जोनी, इसे क्लास से निकालो, अब इसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, और ऑटोमेटिक एक्सेप्ट में कैंसिल कर दीजिए सब कुछ। एंड ठीक है आल्सो वो जो सेकंड लड़का था अभी, कृष्णा नाम से है ना, मैम, वो कृष्णा भी नाम से, नहीं है। वो भी नहीं है ना? हाँ यस करण, मैम, अगर कोई भी भद्दे मजाक करता है, अगर क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो उनके क्लास से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है चलो ओके, कंटिन्यू कर दीजिए, और इसी को जोनी को हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है। मैम वो कृष्णा नाम के लड़के को भी, हाँ वो कृष्णा नाम के लड़के को भी हटा दीजिए। ओ हेलो श्रुति त्रथाम जा मार दू। 1 मिनट सभी बच्चे इंतजार करेंगे, मैं उनको निकाल दूं, ठीक है, हाँ एक इन सेकंड दोनों रुक ही जाएंगे बच्चों सभी को निकाल बच्चे। दीजिए। आदर्श चल कौन से निकल स्कूल मेरे से हो आप? नीचे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा तो हमने क्या देखा था कि एक वर्ग है, ठीक है, तो इसकी चारों भुजाओं का माप क्या होता है, एक बराबर होता है। यानी करण एक बार रुकना पड़ेगा जरा, इस जोनी को क्लास से निकालो, क्लास बंद करवा के दिखाए गए, बात करो, मैं जरा देखती हूँ ये कौन से स्कूल से, जरा आप इसे एक बार ऑटो चेक करो। एडमिट भी ऑफ कर देना। बाकी सभी बच्चे मेक श्योर कि अपना डिसिप्लिन बनाए रखें, इन दोनों को मैं देखती हूँ अभी, ठीक है? आप चलो, कोई बात नहीं, आपके पापा एमएलए हैं ना, मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर हैं। चलो करण स्क्रीन आप स्क्रीन कंटिन्यू पर कीजिए क्लास, और इस पर बच्चे को निकालिए क्लास से। देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि वर्ग जो होता है उसके चारों भुजाओं का माप क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये भुजा जो है, एस आर का माप भी ए है, पी क्यू का मान भी ए है, और क्यू आर का मान भी क्या है, ए है, और पी एस का मान भी क्या है, ए है। यानी चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, यानी कि हम कह सकते हैं कि चारों भुजाओं का मान क्या होगा, एक ही होगा भुजा। यानी अगर हम कह दें कि यहाँ पे अगर मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कहूं कि इसकी एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्या होगा, आप लोग बताइए, बाकी भुजा क्या होंगी, बाकी की 3 भुजाओं का माप क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर एक भुजा वर्ग का 4 सेंटीमीटर है तो बाकी भुजा क्या होंगी, बाकी भुजा क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर ही होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गया। तो इसका पेरीमीटर हमने क्या पढ़ा था अभी अभी, कि हमने इसका पेरीमीटर पढ़ा था 4a। क्या पढ़ा था, 4a, यानी 4 भुजा को जोड़ेंगे तो a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। और क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, साइड गुने साइड, यानी कि भुजा स्क्वायर। क्या यहां तक सभी बच्चों क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए, हम लोग क्लास को आगे कर क्वेश्चंस करेंगे। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको 4 सेक्शन में ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, कहां पे आंसर करना है, 4 सेक्शन में ही आंसर करना है। देखिए एक वर्ग दिया गया है, ठीक है, वर्ग की भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर, आपको बताना है इसका परिमाप कितना होगा, और एक बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला, 4 गुने भुजा, ठीक है, 4 गुने भुजा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुने भुजा। दोनों का आंसर आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, 4 सेक्शन में ही आंसर करना है, ठीक है, 4 सेक्शन में ही आंसर करना है। सभी बच्चे जो है 4 सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
सभी बच्चे जो हैं चैट सेक्शन में ही इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे करेंगे, बहुत ही अच्छा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास अगर कोई एक वर्ग दिया गया है, अगर इसका सिर्फ एक ही माप है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही माप है तो हम वहां पे उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम परिमाप के लिए 4 × भुजा कर देंगे, 4 × भुजा कर देंगे। तो यहाँ पे बताइएगा 4 × अगर भुजा का माप कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम कर देंगे 8, तो बताइए 8 × 4 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हम भी बेटा अपने एरिया के नायक हैं। कौन बोल रहे हैं? मुझे को नहीं बना सकता, स्क्रीन स्टेबल नहीं है। आप नहीं, आप फोन से बना सकते हैं, फोन से नहीं बना पा। अच्छा ट्राई सर, ध्यान भटक रहा है, इसे हटाइए कैसे भी। ठीक है सर, आप फोन से बना सकते हैं। ओके बच्चों सुनो, सभी बच्चे एक बार शांति से बैठेंगे। करण 2 मिनट के लिए रुक के, क्या आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल दे सकते हो, आपका ईमेल आईडी, और मैं कर देती हूँ रिमूव। ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दे दीजिए मुझे आप आपका व्हाट्सएप पे, मैं आती हूँ। एक मिनट सभी बच्चे रुकेंगे, ठीक है, सभी बच्चे जो है क्लास में 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट में क्लास फिर से स्टार्ट होगी। आप लोग सभी लोग यहीं रुके रहेंगे, 1 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी। उससे टकराओगे बहुत पछताओगे, जहाँ से आए हो ना वहीं चले जाओ। भाई चाचा विधायक है, भैया खलनायक है, हम भी बेटा अपने एरिया के नायक है। पागल हो क्या? जोनी बेटे मान जा, कोई भी बच्चे सब बच्चे अपने आप को अपना माइक बंद रखेंगे इतने। ठीक है, कोई अगर गंदा बात बोलता है तो आप लोग को उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चुप रहिए, उनको जो करना है करने दीजिए, अभी उनको 1 मिनट में रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, सर जी इसको निकाल दो। सॉरी बच्चे, आप लोगों को ये चैलेंज निकाल दो ना सर, आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, प्लीज हम कर रहे हैं इस पे काम, आप टेंशन मत लो। ठीक है, सभी बच्चे शांति बनाए रखेंगे, मैं इस पर काम कर रही हूँ, अभी हो जाएगा। टकराओगे बहुत पछताओगे, जहाँ से आए हो ना वहीं चले जाओगे। चाचा विधायक है, भैया खलनायक है, हम भी बेटा अपने एरिया के नायक है। अरे यार आप कौन बोल रहे हैं? बचाना नहीं बेटा तेरे बाप बोल रहे। एक मिनट रुकेंगे सभी बच्चे, ठीक है, हम लोग अभी 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चे रुके रहेंगे, 1 मिनट में क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है करण सर, आप चैट बॉक्स को बंद कर दीजिए सबके लिए, चैट बॉक्स को परमानेंटली आप फोन से डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स बंद है, सभी बच्चे जो है आराम से अभी बने रहेंगे। ठीक है, 1 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी, बस 1 मिनट।
बस 1 मिनट और क्लास स्टार्ट होने वाली है। सभी बच्चे बने रहेंगे, 1 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी। बस 1 मिनट और क्लास स्टार्ट होगी, 1 मिनट। बस 1 मिनट हो।1 मिनट में स्टार्ट होगा। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए चैटिंग में जल्दी से, चैट सेक्शन में एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? चैट सेक्शन में एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है क्या सीख लिया कि अगर कोई वर्ग दिया है यानी उसकी एक भुजा दी गई है तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे? 4 गुने जो है भुजा कर देते हैं, तो इससे क्या निकलता है? इससे निकल जाता है हमारा परिमाप निकल जाता है। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो भुजा गुने भुजा कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो परिमाप क्या होगा? अगर यहाँ पे लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो 4 गुने भुजा करेंगे, 4 × 8 करेंगे, कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? भुजा गुने भुजा करेंगे, तो भुजा 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 8 बराबर हो जाएगा 64, और सेंटीमीटर × सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर² क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो एक ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर² यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है। 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा सभी बच्चे। चलिए तो आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 23 है, चैट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। चैट सेक्शन में जो है आपको इसका आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? चैट सेक्शन में सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का जो है आंसर करना है, ठीक है, कि एक 39 मीटर² वाला क्षेत्रफल वाला क्या है? वर्ग की भुजा है, उसकी लंबाई आपको बतानी है। क्या बतानी है? इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं,
क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, जल्दी से सभी बच्चे देखेंगे क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो भुजा को हम मान लेते हैं क्या दिया गया, तो क्षेत्रफल लिख दीजिए 49। ठीक है, बराबर में क्या लिखिएगा, भुजा गुणे भुजा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइएगा कि ये भुजा गुणे भुजा को अगर भुजा मान लेते हैं कि ए है, तो 49 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49 हो जाएगा। क्या है, सभी बच्चों को क्लियर है ये? तब बताइएगा 49 को कितना में गुणा करेंगे तो 49 आएगा, तो इसका मान होगा अंडर रूट 49 का आपका मान हो जाएगा क्या, जल्दी से बताएंगे 7, यानी 7 गुणे 7 जो हम लिखते हैं क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, यानी 7 स्क्वायर बराबर होता है 49। क्या सभी बच्चों क्लियर है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर, सॉरी मीटर होगा, सॉरी यहाँ पे मीटर होगा क्योंकि मीटर में दिया गया है, तो क्या होगा आंसर, मीटर होगा, 7 मीटर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अच्छा आप लोगों को पता होगा ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, अगर एरिया मीटर में है तो इसकी क्या होगी, भुजा भी मीटर में ही होगी, तो 7 मीटर होगी। क्या सभी बच्चों क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, मैं दोबारा से बता देता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी 49 बराबर क्या दिया गया है, भुजा का स्क्वायर, यानी 49 बराबर है भुजा को हम a मान लिए तो a का स्क्वायर। तब बताइएगा 49 किसका वर्ग रूट होता है, तो 7 का जो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पे मीटर में दिया गया। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को आज की क्लास का होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, अब हम लोग पिछली क्लास का होमवर्क जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में जो होमवर्क हम लोग को मिला था, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो ये आज की क्लास का होमवर्क है जो आपको करके आना है अगले क्लास में। अभी हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे जो पिछले क्लास में मिला था, 3.1 और 3.2। तो आज की क्लास का ये होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा, कितना है, पर्सनावली 5.1, पर्सनावली 5.2, पर्सनावली 6.1 और पर्सनावली 6.2। ठीक है, और ये पेज संख्या किस में दिया होगा, तो 116, 117, 118 और 119। ठीक है, क्या सभी बच्चों को यहां तक होमवर्क समझ में आ गया, तो अब हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अब हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन शीट दिखा देता हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन शीट दिखा देता हूं, एक बार क्वेश्चन शीट दिखा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, क्वेश्चन शीट थोड़ा एक्चुअली एरर चल रहा है, एक मिनट रुक जाएगा आप लोग। ठीक है, देखिए ये 5.1 है और इसके पीछे जो होगा 5.1 होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ये एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, ये 5.1 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और 5.2 क्या है, तो 5.2 को भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये रहा 5.2। ठीक है, ये रहा 5.2। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अब आगे देखिए, एक 6.1 भी लेना है आप लोग को होमवर्क में, तो देखिए नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6.1 है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनके पास सीट नहीं है एक बार जल्दी से 6.1। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक और होमवर्क है आपका 6.2, तो ये रहा 6.2, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए 6.2। क्लियर है, तो आप लोगों को होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग पुराने होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में आप लोग को मिला था। तो लास्ट क्लास में होमवर्क क्या मिला था आप लोगों को, जल्दी से अगर याद होगा तो कमेंट कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। लास्ट क्लास में होमवर्क हम लोग को मिला था 3.1 और 3.2। तो देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से, ये रहा 3.1। क्या सभी बच्चों को बोर्ड विजिबल है 3.1? क्या सभी बच्चों को 3.1 विजिबल है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्या सभी बच्चों को 3.1 विजिबल है?
दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा का मान जो है 3 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा का मान जो है 5 सेंटीमीटर है। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है समानांतर चतुर्भुज का? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो एक को लंबाई और एक को चौड़ाई, तो देखिए 2 गुने 3 प्लस 5 हो गया। तो बताइएगा 2 गुने 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8। तो परिमाप कितना निकल कर आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, क्या सभी बच्चों क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं। ठीक है, 2 का पहला देख रहे हैं। तो यहां पे दिया गया है एक समानांतर चतुर्भुज और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आधार अगर 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुने 4 हो जाएगा 32 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, क्या सभी बच्चों क्लियर है? क्या सभी बच्चों क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये बी वाला, हमने ए वाला देख लिया, ये ए था, अब ये बी वाला कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर ये लंब है तो इसका आधार ये वाला होगा, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, सभी बच्चों क्लियर है? तो आधार यहाँ पे 7 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई 3 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना आएगा? 7 × 3 करेंगे तो 21, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग को और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे ध्यान से समझिएगा, क्या दिया गया है? एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना है। हमें दिया क्या गया है? आधार दिया गया और क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल रख दीजिए 36 बराबर, आधार दिया गया है 4 और गुने ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को लिख दीजिए h। तो यहां से आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 36 किसके बराबर होगा? 4h के बराबर होगा। और जब ये 4 इधर आएगा तो क्या होगा? भाग लग जाएगा। तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा? 36/4, यानी ये कैंसिल कितने से कितने बार में कटेगा? 4 जो है, 36 जो है 4 से 9 बार में कटेगा। तो एच का मान कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्या सभी बच्चों क्लियर है? क्या सभी बच्चों क्लियर है? ध्यान से देखेंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, आधार गुने ऊंचाई। तो यहां पे आधार रख दीजिए 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई रख दीजिए 5 सेंटीमीटर, गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा? 8×5=40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब हम लोग देख लेते हैं 3.2। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है? अब हम देखते हैं 3.2 में टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों को समझते हैं। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, क्या किसी बच्चे को कहीं डाउट है तो बोलेंगे? अगर किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो बोलेंगे, लिखेंगे डी। अगर किसी बच्चे को पीछे के क्वेश्चन में डाउट है तो डी लिखेंगे, अगर डाउट है तो डी लिखेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन नंबर बताइएगा जिन्होंने भी डी लिखा है? अगर डाउट है तो बताइए क्वेश्चन नंबर, अभी कर देते हैं, बताइए कौन वाला, कौन वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 कहां है यहां पे? अच्छा मैं दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यही दोनों ना, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिखाई दे रहा है यही दोनों में डाउट है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं, एक बार दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे सभी बच्चे, एक बार दोबारा से देख लेंगे। मैं एक बार दोबारा से उस पेज को लाता हूं। ठीक है, एक मिनट का समय दीजिएगा। ठीक
ठीक है, देखिए मैं एक बार दोबारा से इसे लाता हूं स्क्रीन पे। देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो हमारे पास क्या दिया गया है, आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 36 सेंटीमीटर, हमें निकालना है ऊंचाई। तो फॉर्मूला तो लिखा गया है ना, क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल रख दीजिए 36, ये किसके बराबर है, तो आधार के लिख दीजिए 4 और ऊंचाई हमें निकालना है तो h लिख दीजिए। अभी से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 36 किसके बराबर है, 4 गुने h। ठीक है, यहां से अगर ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, तो 36/4 हो जाएगा और इधर बचेगा h। तो ये 4 से 36 कितने बार में कटेगा, 9 बार में, तो यहां से एच कितना निकल के आएगा, 9 सेंटीमीटर। क्या अभी सभी बच्चों क्लियर है, एक बार सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, क्या अभी क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम इजी है, आपको आधार दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गुणा कीजिएगा 8 में 5 से तो कितना हो जाएगा 40, और एरिया निकालने तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है, जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, आगे समझते हैं। देखिएगा प्रश्नावली अब 3.2 देखते हैं। ठीक है, 3.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, 3.2 देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसे समानांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ, देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे फोटो बना रहा हूं मैं। ठीक है, मैं एक यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, मैंने एक समानांतर चतुर्भुज बना दिया। इस समानांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, एबीसीडी। क्या है, एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी। अब सभी बच्चे बताएंगे कि एबी जो होता है किसके पैरेलल होता है, सीडी के, यानी एबी जो है किसके पैरेलल होता है, सीडी के। इसी प्रकार ये जो एडी है वो किसके पैरेलल होगा, बीसी के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एडी जो है किसके पैरेलल है, बीसी के। क्या ये सभी बच्चों को पता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है और पैरेलल होती है, बराबर होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल होती हैं तो मुझे बताइएगा कि क्या ये भुजा जिसे मैं घेर रहा हूं और ये भुजा क्या पैरेलल है, यानी ए बी क्या पैरेलल है बीसी के। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे क्या ए बी जो है बीसी के पैरेलल होगी, वाई और एन टाइप कीजिएगा, वाई और एन टाइप कीजिएगा, नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी होता है ना, और ए बी पैरेलल बी सी होता है, आमने सामने की भुजा ना बराबर होती है, तो ये नहीं होगी। यानी कि इसमें हमें क्या दिया गया है, इन्हीं भुजाओं का माप दिया गया है, यानी कि एक भुजा का माप दिया गया है 5.5 और एक इस भुजा का दिया गया है 3.5। बात समझ में आया, क्या लिखा है, असमांतर भुजा है, तो असमांतर भुजा तो यही है ना, ये इसके बराबर ये उसके बराबर, तो ये असमांतर भुजा होगा ना, ए बी और बी सी, या फिर ये कहिए सी डी और ए डी, असमांतर भुजा होगा। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, असमांतर भुजा कौन सा होगा, ए बी बी सी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ए डी, असमांतर होगा किसके, सी डी के। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी बच्चे। ठीक है, तो अब हमें इसका पेरिमीटर निकालना है। तो एक भुजा अगर हमें दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो पेरिमीटर क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 गुने लंबाई कितना हो गया 5.5 प्लस चौड़ाई कितना हो गया 3.5। अब बताइएगा अगर हम 5.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5.5 में 3.5 जोड़ेंगे, देखिए 5.5 में पहले आधा जोड़ दीजिए तो ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाए 3 हो जाएगा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्या आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया कि असमांतर भुजा दिया गया था, तो एक हो गया 5.5, एक हो गया 3.5, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया हमारा 2 गुणे 5.5 प्लस 3.5 हो गया 9, तो 2 गुणे 9 = 18 सेंटीमीटर। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोग देखिएगा। अब हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्या कह रहा है कि ऐसे समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार और क्षेत्रफल दिया गया है। यानी आधार कितना दिया गया है, आधार हमारा दिया गया है 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 35 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका क्षेत्रफल का, लिख दीजिए यहाँ पे, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल का मान रखिए 35, बराबर हो गया आधार के जगह पे आधार रखिए, गुने ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को h कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा, 35 में बराबर है किसके, 7h के। तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो h का मान कितना आएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे h का मान कितना आएगा। h का मान आएगा यहां से, h बराबर हो जाएगा 35/7, और 7 से 35 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो h का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, जो हमें निकालना था h का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर यहां तक, एक बार y टाइप करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे क्लियर है। चलिए अब हम ये अंतिम क्वेश्चन होमवर्क का देख लेते हैं, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर इसे मैं कह दूं ये BO है, ठीक है, तो BO अगर ऊंचाई है, BO अगर ऊंचाई है तो आधार क्या होगा, आधार क्या होगा बताइएगा, BO अगर ऊंचाई है तो आधार क्या होगा, जल्दी से बताइए आधार क्या होगा। अगर BO हमारा ऊंचाई है तो आधार क्या होगा, CD होगा। CD का मान कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो आप बताइए हमारे पास ऊंचाई भी है आधार भी है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर हो गया आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है, आधार है आपका 8 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को समझ में आया। अब मेरा एक बात बताइएगा कि अगर हाइट बदल जाए, यानी हाइट अब हो गया कौन सा, इसको मान लेते हैं m, अगर हाइट को अगर हम bm को मान ले, अगर bm को हाइट मानेंगे ऊंचाई मानेंगे तो हमारा आधार क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे आधार क्या होगा। अगर bm ऊंचाई है तो आधार क्या होगा, अगर bm ऊंचाई है तो आधार क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, अगर bm ऊंचाई है तो आधार क्या होगा, AD होगा, क्या होगा AD होगा, कितना है ये AD 6 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइएगा क्या हाइट बदलने से आपका आधार बदलने से क्षेत्रफल बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि अभी भी ये इतना ही जगह घेर रहा है, पहले भी इतना ही जगह घेरता, यानी कि क्षेत्रफल वही रहेगा सिर्फ आधार और ऊंचाई बदल जाएगा, क्षेत्रफल वही रहेगा सिर्फ आधार और ऊंचाई बदल जाएगा। तब फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अब हम लिखेंगे फिर से यहां पे कि क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो हमारा पहले से लिखा है 24 सेंटीमीटर बराबर है किसके, आधार अब हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, गुने ऊंचाई हमें निकालना है, यही तो निकालना है कितना होगा, तो इसको मान लेते हैं h। ठीक है, तो आप बताइएगा सॉल्व कीजिएगा, 24 बराबर हो जाएगा 6h, तो यहां से h बराबर कितना हो जाएगा 24/6, ये कट के कितना हो जाएगा 4 बार में 4 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों को समझ में आया, तो ये था आप लोगों का पूरा होमवर्क। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एक बार आप बोलिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा। और होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा, आज के क्लास का होमवर्क एक बार नोट कर लीजिएगा सभी लोग। मैं होमवर्क दिखा देता हूं फिर से, आज के क्लास का होमवर्क क्या है, ये वाला होमवर्क है। तो होमवर्क एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूं, एक बार सुन लीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर से मैं होमवर्क को एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं, एक बार इसे आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, जिनको कुछ पूछना है सिर्फ वही रहेंगे, जिनको नहीं पूछना है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको कुछ पूछना है सिर्फ अब वही रहेंगे, बाकी लोग क्लास लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी लोग क्लास को लेफ्ट कर देंगे। चलिए, तो हम लोग एक बार फिर से जो है होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं, एक बार होमवर्क को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में सभी को डाउट था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है, जिनको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, बाकी जिनको डाउट्स है उनको मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं।
गुड नाइट। ठीक है, तो ये तो हो गया था। रुक जाइए, मैं फिर से एक बार देखता हूं वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से समझते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया है सिर्फ वो समझेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन सिर्फ यही देखिएगा आप लोग, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में ही दिक्कत है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए, अगर हम सीडी को आधार लेते हैं, सीडी अगर हमारा आधार है, क्या है आधार है, तो ये जो होगा बीओ मान लेते हैं, तो बीओ क्या होगा हमारा ऊंचाई होगा, ये क्या होगा ऊंचाई होगा। ठीक है, ऊंचाई होगा, और इसका मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे जिनको डाउट है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो गुणा करेंगे कितना होगा 8 × 3 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आधार एडी हो गया, यानी आधार अब एडी को मानना है, तो आधार अब हमारा क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, और इसकी लंबाई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो बताइएगा, हाइट हमें नहीं दिया गया तो मान लेते हैं एच होगी, तो फिर से हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, जो भी बच्चा अनावश्यक कमेंट कर रहा है उन सभी बच्चों को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बराबर आधार कितना है इस बार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, तो 24 बराबर हो गया 6h, तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा 24/6, तो 6 से 24 कितना बार में 4 बराबर में, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस हाइट कितना हो गया टोटल 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया नहीं बदलेगा, हाइट और आधार बदलने से एरिया नहीं बदलती है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि हाइट और आधार बढ़ने से इसका एरिया नहीं बदलेगा। कुछ किसी को भी हाइट मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए, एरिया आपका जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा आपका, हमेशा क्या होगा बराबर होगा। क्या सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगला क्लास कब होगा आप लोग का, मंडे को। ठीक है, तो अगला क्लास होगा मंडे को, तो मिलेंगे मंडे को। ठीक है, अगला क्लास कब होगा मंडे को, तो मिलेंगे हम लोग मंडे को। अब कब मिलेंगे मंडे को।